अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आए आप बिल्कुल ठीक होंगे, कैसे होंगे? तो गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग आपको अपने नए पैड दिखाएंगे और आप इतनी तरह से सोच रहे होंगे कि हम ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे होंगे। गाइस मेरे एग्जाम हो रहे थे तो अब मैं फ्री हो गया, सब वोकेशन हो गए तो अब जरूर हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे। तो गाइस आपको सरप्राइज बताते हैं कि हम एक बहुत क्यूट सी दो डॉग्स और एक चिक लेके आए। हम कल चिक लाए थे लेकिन हमारा इतना बुरा हुआ कि वो मर गया और हम कुछ नई मुर्गियाँ भी लेके आए हैं और हमारी एक मुर्गी अंडों पर बैठी हुई तो उनसे भी मिलाते हैं। तो पहले हम इसको पीछे लेके जाते हैं, इनको टब डालते हैं, इसके पानी में डालते हैं और फिर हमारे सिक्के में अलग हो गए तो आज हम इसको उसमें खोलेंगे। देखते हैं तो गाइस आपने हमारी डग देखी है कि हम बहुत प्यारे से एक वाइट और गोल्डन कलर के चिक लेके इतने प्यारे हैं। गाइस मैं नहीं चाह रहा कि अगर ये कभी मर जाए। अब हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं और इधर हमारी एक मुर्गी है, देखें यहाँ पर भागी है और ये देखें हमारी जो मुर्गी है ना, ये अटो हुई है इतने दिनों से आप नहीं मान रहे। जब हम लोग सजेस्ट करें कि हम इसके साथ क्या करें तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। हमारे जो चाप है उसकी चाप हम उधर जाते हैं, पानी डालेंगे और तो आज हमने टब ले लिए और उसको लिखना है। तो गाइस अभी हमने उनका खाना भी लिया है क्योंकि अभी डक छोटी है और दाना नहीं खाती, तो पानी में उनको ब्रेड देंगे और चिक्स वगैरह को हम थोड़े से चावल देंगे। तो हम उनको ऊपर लेके आते हैं और चिक का दोस्त था हम मर गया था तो फिर हमने उसके दोस्तों के साथ रख दिया। पहले हमने डक्स को लाया था, फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना ले। पहले देखो इतनी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी डक है, हमें बहुत छोटी मिली थी, हमने सोचा था उतनी बड़ी लेंगे लेकिन ये छोटी थी तो अब उनको तो दोस्तों का मजा करने दो। देख रहे होंगे कि उनको बहुत मजा आ रहा है, बेचारा चिक है तो अपने सोच रहे कि देखो हमने ये पॉट भी धो लिया, हमारे शिफ्ट रूम भी साफ है तो हम इसके लिए हम खाना और दाना डालते हैं ताकि अपनी नई मुर्गियों को और सबको शिफ्ट करें। पहले हम इनके लिए मैंने ठंडा पानी देखा भी है, चावलियाँ और इनके लिए मैं पारे भी लेते हैं, मुझे पारे की भी फेवरेट है। तो पहले इनको एक दो एक अच्छी बात देखते हैं, खाओ खाओ मुझे बहुत बड़ा है। पहले हम इनको खोलते हैं और देखते हैं साफ है कि नहीं, और सेटिंग करते हैं क्या करते हैं। शुक्र है टूटा नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो हम लोगों ने सोचा ये है कि हम इसको ले आए हो तो उसमें पानी डालेंगे ताकि सारा सा उसको ऐसे करके हम गिरा देंगे, बिल्कुल साफ हो गया। इसको दो मिनट सारी की गंदगी जो है वो साफ होने दें, फिर हम लोग अपने डॉक्टर को मुंह वाली डुबने दे दी। छोटी थी हमने ज़्यादा नहीं डाल दिए तो हम उसको धूप लेते हैं ताकि सूख जाए और फिर उधर एक मटका पड़ा है उसको भी साफ कर देते हैं, बड़ी मुर्गियों को भी खाना डाल देते हैं।
होते हैं, अच्छी बात है। मटका पानी के नीचे अपनी चटनी गर्मी में आ रही, बाकी है बस, मैंने इसको बंद कर दिया पाइप को, मैं काम बहुत गंदे हो गए हैं। बस हमारा मटन साफ हो गया, तो हम इधर रख देते हैं और उसके पॉट्स भी लेते हैं जिसमें हम खाएं। बस हमने सोचा कि जो बीकर है ना, ये ना मतलब ये गिरा देते हैं पंप इधर चढ़ते हैं तो गिरते, तो हमने इसको इसके अंदर रखते हैं ताकि गिरे भी तो बास्केट के अंदर ही गिरे। इसको दाना डाल देते हैं, पालक और चावल इनको भी डालते थे, इनका खाना रेडी है, थोड़े से चावल भी डालते हैं खाना और पानी भी डालते हैं इनको। पानी हमने सारी सी चिक को पकड़ लिया, अब ये केज बंद करते हैं वरना बाद में खाओ। सब अब इसको प्यार से को अब इसकी दोस्त नहीं आते हैं। मुझे देखिए यहाँ पर मारा है, चल गई। अब इसको यहाँ से बंद करते हैं और अपनी डक्ट को चेक करते हैं। हमने इनका भी बस खाना रेडी कर रहे हैं और ये देखिए अभी इनको बहुत सर्दी लग रही है और टिश्यू पेपर से भी हमने इनको साफ भी की है और बेचारियों को बहुत ही सर्दी लग रही है प्यारे के बच्चों को, तो अभी हम इनको शिफ्ट करते हैं 2 मिनट में। फिर इनका खाना रख लिया, अब डक्स को या केज हमने इसलिए रखा है क्योंकि ना वरना इनके जो पाँव है ना उसके नीचे चले जाते हैं, तो पहले हम इनको रखते हैं इसके अंदर। अगर आप कल की वीडियो में हम लोग इनके नाम देखो कह रहे मुझे खाना दो तो बाहर निकला, तो इनके लिए बहुत मजे का खाना लाया है डक्स के लिए और चिक के लिए। हमने अभी इनको अलग रखी क्योंकि डक्स को चाहिए धूप और चिक्स को नहीं चाहिए, चिक्स को बहुत गर्मी है, तो हम इनको एंड में बंद करेंगे और उनकी मुर्गियों को दाना देते हैं। बहुत कहाँ घूमी हो, कहाँ घूमी हो, कहाँ आई थी यार,
पर आई नहीं, आ गई मुझे हाथ उठा। वो बच्चे भी आ जा, तो वैसे भी उनको खाना डाल दिया, इनका पानी भी जो पड़ा है उनको लेकर आ देना। तो मुझे ऐसे ब्लॉग नहीं बना रहे थे, तो हमारे मुझे बहुत बड़ा हो गया भाई, अब मुझे नहीं पता और बड़ा हो जाता। हम सब कुछ पैकअप करते हैं और दाने को भी अंदर ही रखते हैं, करके अंदर भी सारा कुछ छटको कर दिया और पानी की देख के आते हैं। अच्छा बस बेचारे को निकलने का बड़ा शौक हो गया, मिसको डालते हैं इसमें पानी, ठीक है ना। और इनके लिए कोई बीकर ही नहीं है, एक तो उनका छोटे छोटे से मुँह बेचारों के, और फिर हम इसको डालते हैं पानी। तो गाइस अब ये डब भी सूख गए, खाना छत भी सूख गया, और तंग आ रहा बेचारा। अब तो जम पा रहे दोस्तों के घर पे, बस उतना ही पापा लगता है। चलो जाओ मजे करो, तो पहले मुझे खाना सेव कर लेते हैं जो उन्होंने नहीं खाया अभी तक। अच्छे तो गाइस ये थी हमारा ब्लॉग, अगर आप ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।